कन्हैया लाल की। जब बकरे की जान चली गई खाने वाले को मजा नहीं आया तो आप क्या चुप होंगे? नहीं चुपोंगे। मैं तो यही सोच के गम खा लेता हूँ कि शायद ज्यादा जरूरी होगा भजन से, इसलिए कर रहे होंगे, नहीं तो पढ़े लिखे हैं क्यों करते। एक बार एक जयकारा बोलिए, श्याम प्यारे की। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। ताली बजाने वाली लाइन अब आएगी। अगर आपको लाइन अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद दे देना। सुनो तो सही, ये देखो जिसका ध्यान नहीं होता है वो ऐसी ताली बजाने बोला है, भाई बजा बजा बजा। ये सब सब जानते हैं हम लोग, सब घाट घाट का पानी पी चुके हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल तो कहता है तुम सुंदर हो, पर आंखें को दिखलाओ जरा, रूबरू करवाओ कितने सुंदर हो। दिल कहता है तुम जल्दी जाओ तो सही, मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग कीर्तन में स्लो मोशन में क्यों चलते हैं। दिल कहता है तुम सुंदर हो रे प्यारे, आंखें कहती है दिखलाओ। तालियां बजाने की बात आ गई है, सुनो। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आ, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरली, एक तो और मिर्ची सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ, एफ कर दो ये सब, थोड़ा थोड़ा हर बार मन करता है कि भाई कुछ नया होना चाहिए। एफ शार्प। इस भजन को ध्यान से सुनना, आपको लगेगा नहीं ये भजन है, आपको लगेगा भक्त और भगवान के बीच की बात है। भैया ध्यान से सुनिएगा, अगले हफ्ते आपके मुंह से सुनना है मुझे फेसबुक में, ठीक है। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको, मजा क्या आ रहा नोटी। शाम से कहा जिसकी लगन इस तरह की होती है वो बातें भी इस तरह की करते हैं कि मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने, क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। भगवान ने जवाब दिया, सुनिए। जो नहीं सुन रहे हैं वो अफसोस करेंगे कि ध्यान से नहीं सुना। वो बोले मेरे पीछे क्यों बड़े तुम रोज रहते हो, वो बोले मेरे पीछे क्यों
हे पड़े तुम रोज। तैयार है ना पीछे वालों तालियां बजाने के लिए? भक्त ने जवाब दिया, वो बोले मेरे पीछे क्यों पड़े तुम रोज रहते हो। भक्त जवाब दे बैठा, मैं बोला दूसरा कोई बता दो फिर जमाने में। मैं बोला दूसरा कोई बता दो फिर। भगवान को गुस्सा आ गया, बोले इस तरह से कोई बात करता है का? भगवान ने बोला, वो बोले होश में बोलो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोले, मैं भूल गया, ये जो हो जाता है ना इससे भूल जाता है। उन्होंने क्या बोला? वो बोले कि हजारों हैं करू करुणा मैं किस किस पर। वो बोले कि हजारों हैं करूं करुणा मैं किस किस पर। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप थोड़ा साथ नहीं दोगे तो मैं गा नहीं पाऊंगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा गाओ। वो बोले कि हजारों है करूं करुणा मैं किस किस पर। करूं करुणा मैं किस किस पर। भक्त ने जवाब बड़ा प्यारा दिया, मैं बोला, घुमा फिरा के बात मत करो ठाकुर, मैं बोला साफ ही कह दो बचा कुछ नहीं खजाने में। मैं बोला साफ ही कह दो बचा कुछ नहीं खजाने। देख रूपम भाई, मैं इधर वालों का रख रहा हूँ, आगे वालों का ध्यान रखना। देखा कि इधर तो रह गए, उधर सारे उठ के चले गए। अब सुनो, ये बात सुन के भगवान को थोड़ा लग गया कि यार ये कोई बात हुई। मैं बोला साफ ही कह दो बचा कुछ नहीं खजाने। भगवान ने बोला, वो बोले होश में बोलो नहीं तो रूठ जाऊंगा। वो होश नहीं तो रूठ जाऊंगा। सेवक समझ गया, इस बार भी टेढ़ा बोल दिया तो डंडा पड़ेगा। तो इस बार देखिए सेवक ने क्या जवाब दिया है, इतना सुंदर कसा हुआ जवाब। मैं बोला हो बड़े माहिर तुम जल्दी रूठ जाने में। आहा। मैं बोला हो बड़े माहिर तुम जल्दी रूठ जाने में। देखिए कितने स्मार्ट है सेवक, कैसे बाबा को फिर जाने ही वाले थे पकड़ लिया। बेटा बहुत जल्दी रूठ जाते, बैठो ना यहाँ। बैठ गए बाबा, फिर लपेट रहे। अब देखिए जैसा भजन वैसी भाषा। नहीं कुछ साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। नहीं कुछ साधना वो बोले मैंने। वो बोले तो कहा मैंने। वो बोले तुमने कौन सी साधना की, कौन सा तप किया, कौन सा जप किया, कौन से मेरे नाम की माला पोई जो मैं तुम्हारे काम आऊं। सेवक ने बोला, सत्य बात है बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी इसलिए नहीं किया। बोले कौन सी बात? सुनिएगा, तालियां बजाने तैयार रहिएगा। सुना है रीझ जाते हो। क्या? सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने से। फकत आंसू बहाने से। अंत में बहुत गजब हो गया, सुन लो मेरी बात क्या हुआ। अब पाला बिल्कुल चढ़ गया, मैं खड़ा हुआ हूं तो कोई बड़ी बात है इसलिए खड़ा हुआ हूं, ध्यान से सुनना। भगवान ने बोला, वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा वो जो चाहूंगा। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा
करूंगा वो जो चाहूंगा। वाह वाह ठाकुर, आपकी मर्जी है, करूंगा वो जो चाहूंगा, ठीक है करो, आप बेशक अपनी मर्जी की कर सकते हो। प्रेमियों इस बार तालियां ऐसी होनी चाहिए कि बाबा को भी पता चले कि बाबा के प्रेमी सचमुच आज बाबा के सामने अरदास लगाए हैं। सुनना, वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा वो जो चाहूंगा, भगत ने कहा बेशक करो तुम वो जो चाहोगे, बेशक बोल दो मेरी मर्जी है, लेकिन एक बात सुन लो उससे पहले, अगर यही बात कहनी है तो मेरा भी जवाब सुन लो। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा वो जो चाहूंगा, वो बोले वो करूंगा वो जो चाहूंगा। भक्त का जवाब, मैं बोला कर दो परिवर्तन तो करुणा निधि कहानी में, मैं बोला कर दो परिवर्तन तो करुणा निधि कहानी में। एक काम करो, अपने दरवाजे के आगे मिटा दो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लिखा दो मन मौजी मालिक, उसके बाद ये बात बोलना तब गवारा होगा, लेकिन जब तक तेरे दरवाजे के आगे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम, तब तक हारे का सहारा बाबा श्याम, जब तक ये लिखा है तब तक आप अपनी मर्जी की नहीं कर सकते। सेठ सरकार, आपको सुनना पड़ेगा, आपको दुखियों की बिगड़ी पार लगानी पड़ेगी, नैया जिसकी डूबी है उसको चलानी पड़ेगी। इसलिए तो कहा है मेरा आपकी कृपा से सबका, बोलो बोलो बोलो, वो करते हो तुम कन्हैया करते, मेरा आपकी कृपा से, बोलो बोलो, मेरा हमारे जो ये जो हमारे दो प्रेमी बैठे हुए हैं इधर, ये श्याम बिया गोपाल, ये श्याम बिया को देखकर हमेशा मुझे मन करता है कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स गाऊं। अभी कुछ कुछ लाइनें लिखी हैं वो सुना देता हूं, सुनिए बड़ी प्यारी बात सुनिए। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो हमने इस लाइन को लिखा, आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ दो ही लाइन लिखी है, एक बार जी शार्प।